अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। मुझे बड़ी खुशी हो रही है दोबारा से वीडियोस बना के, दोबारा से आप लोगों के साथ अपना कांटेक्ट बहाल करके। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अपने घर में खैर खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। तो आज हम बात करेंगे तीन ऐसे लिपस्टिक शेड की जो हर स्किन टोन को सूट करते हैं। ख़ासतौर पे मैं बात करूँगी अपनी एशियन स्किन की, उस पर तो थोड़ा सा लाइट कलर हो, थोड़ा मेरे जैसा हो या थोड़ा सा डार्क हो तो परफेक्टली मस्ट हैव है ये आपकी मेकअप कलेक्शन में होना। और साथ साथ मज़े की बात यह है कि ये बहुत ही अफोर्डेबल ब्रांड है। और जब आपको मैं इस कंपनी के बारे में बताऊँगी तो आप कहेंगे हाँ, उस पड़ोस की गली के बराबर वाली दुकान में ये बहुत आसानी से मिल जाता है। मैं ऐसे ब्रांड की बात करने जा रही हूँ आपके साथ, और जो ब्रांड है वो है मेडोरा, जो कि मैं कहती हूँ बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। थोड़ी सी इसके बारे में बात करेंगे तो क्वालिटी वाइज ये कहूँगी कि 10 में से 10 इसको नहीं दिया जा सकता, लेकिन 10 में से 7 नंबर इसको ज़रूर दिए जा सकते हैं। क्योंकि जब आप इसको अप्लाई करते हैं तो ये बिल्कुल फ़ौरन आपको एक कलर देता है, एक मैट फिनिश देता है। लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ कि कुछ घंटे ये जो है आपके होंठों पे रहता है, फिर खाने पीने में थोड़ा सा जो है वो हट जाता है, लेकिन मिटता नहीं है। तो 7 out of 10 बहुत अच्छा नंबरिंग है एक ऐसी कंपनी के लिए जो कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। और मेरे ख्याल से हर किसी के पास ये लिपस्टिक होगी, चाहे एक हो चाहे ज़्यादा हो। हम खास तौर पे बात कर रहे हैं तीन ऐसे कलर्स की जो कि आपके पास होने ज़रूरी हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम किसी दुकान में जाते हैं और कभी हमें अफोर्डेबल लिपस्टिक या अफोर्डेबल कोई ऐसी चीज़ मिलती है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आपके पास चॉइस होती है कलर की, तो हम थोड़े से कन्फ्यूज हो जाते हैं। फिर हम कुछ ऐसा ले लेते हैं जो कि एक कलर दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलता है। खास तौर पे जब हम रेड कलर चॉइस करते हैं तो उस रेड के अंदर ही भी बहुत सारे टोन्स होती हैं, जिसकी वजह से जब हम मार्केट में लेते हैं तो हमें अंदाज़ा नहीं हो पाता, लेकिन जब हम उसको अप्लाई करते हैं तो वो अक्सर एक दूसरे से मिलता है। इसी तरह पिंक की बात कर लें और दूसरे कुछ ऐसे कलर्स हैं जो कि टोन वाइज बहुत सिमिलर होते हैं, तो हम ले तो लेते हैं ये देख के कि थोड़ा फ़र्क है, लेकिन जब होठों पे लगाते हैं तो वो एक सा नहीं होता और हमारे होंठ भी जो हैं वो जो पिंक नहीं होते, बाज पिगमेंटेड होते हैं जैसे कि मेरे हैं, तो उस पर एक दफ़ा जब लगती है चीज़ तो वो सेम रिज़ल्ट नहीं आता। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाथ पे जब हम लगाते हैं वो एक सेम रिज़ल्ट नहीं देती जब हम होंठों पे लगाते हैं, ये बात भी अपने जहन में रखा करें आप। ये तीन शेड जो है ये नहीं है कि एवरीडे मेकअप के लिए हैं, ये हर ओकेजन के साथ जा सकता है, डिपेंड करता है आप फाइनल किस तरह अपने लुक को दे रहे हैं। तो ये तीन शेड्स आप हर तरीके से एवरीडे मेकअप या पार्टीज मेकअप के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं, पहले जो है मैंने आपको दिखा रही हूँ एप्लीकेशन और साथ साथ नंबर भी हैं, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। प्लीज़ ये मैं आपको कहूँगी कि एंड तक देखा करें ताकि आपको पूरी डिटेल मिल सके। छोटी सी वीडियो लेकिन बड़ी पते की है, तो प्लीज़ लाइक करें अगर पसंद आई है, शेयर करें क्योंकि जाहिर सी बात है अफोर्डेबल है और एक कलर चॉइस मैं आपको इसमें बता रही हूँ तो सबको पता होना चाहिए। अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव के साथ ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करना भूलेंगे नहीं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।